यहाँ कौन रहता है इधर? और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और आज सुबह आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में नई बिल्डिंग के सामने जो निर्माण हो रहा है 100 बेड का, उसमें निर्माण हो रहा है, उसके लिफ्ट के अंदर एक युवक डूबा हुआ पाया गया। बाखूबी आप देख रहे हैं, डूबा हुआ युवक पाया गया और साथ में चश्मा, जो चश्मा था उसका, वो बाखूबी ये देखिए अलग रखा हुआ था और कैन भी पड़ी हुई थी बियर की। नजारा बाखूबी देखिए, चश्मा युवक का अलग रखा, युवक डूबा हुआ, वो भी कहां, मेडिकल कॉलेज की जो नई बिल्डिंग है उसके सामने, जो दूसरी बिल्डिंग 100 बेड की बन रही है, वहां पर युवक का शव डूब रहा था पानी में। किसी बीच निगाह पड़ी किसी की मेडिकल कॉलेज में, जहां पर क्वार्टर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रहते हैं, वहां पर हड़कंप मच गया। और हड़कंप मचने के बाद जिसने भी देखा दौड़ा चलाया। बाखूबी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए युवक का शव डूब रहा है मेडिकल कॉलेज में, जो नई बिल्डिंग है जिसमें कोरोना के मरीज रखे गए थे, नई बिल्डिंग में उसके सामने जो बिल्डिंग बन रही है 100 बेड की, वहां पर लिफ्ट बनी हुई है। देखिए लिफ्ट का निर्माण चल रहा था, उसी के बीच तली में पानी भरा हुआ था और उस पानी में युवक का शव तैर रहा था। हालांकि हड़कंप मच गया, पास पड़ोस के रहने वाले बाखूबी देखिए दौड़े चले आए। मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है, वहां पर अमूमन रहते हैं लोग, जब घटना के बारे में सुना तो दौड़े चले आए, लेकिन आने के साथ साथ सबने शव को देखा, लेकिन शव जो था वो औंधा पड़ा हुआ था, चेहरा नहीं दिख रहा था। इसीलिए सब सकते में आ गए कि आखिर कौन हो सकता है। और युवक का चश्मा अलग रखा हुआ था और बाखूबी देख रहे हैं पानी में तैर रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई, बाखूबी आप देख रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद तफ्तीश करी, लेकिन वहां पर जो नजारा सामने आया, अयोध्या प्रसाद जो मेन ठेकेदार है और जो देख रेख करता है, उसका नाम है अवनीश त्रिपाठी, जो देख रेख करता है, उससे पूछा गया, उसने सारी बातों को इनकार कर दिया। मुझको नहीं पता ये कहां का रहने वाला है, मैं नहीं जानता हूं, और जबकि वो वहीं रहता है। उसके बाद में जब पुलिस ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप रहते कहां हैं, बोला यहीं पर रहते हैं। उसे पूछा ये बताइए चौकीदार कौन है, बोला चौकीदार छुट्टी पर गया हुआ है। उसे ये पूछा ये बताइए इस बारे में जानते हैं, बोले नहीं जानते हैं। सवालों के घेरे में आया अवनीश त्रिपाठी, जो देख रेख करता है। हालांकि पुलिस ने सबसे पहले शव को निकालने की प्रक्रिया जारी करी। नजारा बाखूबी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर बता दें, मेडिकल कॉलेज के सामने जो नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसके सामने एक बिल्डिंग और बन रही है 100 बेड की, जिसके अंदर निर्माण जारी था, लेकिन लिफ्ट का कार्य चल रहा था, लिफ्ट की तली के अंदर पानी भरा था, उस पानी में युवक का शव तैर रहा था, चश्मा अलग रखा था। लेकिन इसी बीच अवनीश त्रिपाठी से जब पूछा गया, जो मेन चौकीदार है, जो सुपरवाइजर है, इस बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन विस्तार से पहले नजारा देखिए। ऐसा नहीं, अपने डायरी में नोट करो, डायरी में लिख लो कौन ठेकेदार इसको बना रहा है, कौन चौकीदार यहाँ पे उसका रहता है रात में और दिन में, उनके सबके नाम पते नोट कर लो जरा। कब घंटा हो गया आपका, क्या नाम है? बहराइच। कब से रह रहे हो यहाँ पे? डेढ़ साल। मोबाइल नंबर? कब से काम चल रहा है? काम तो 6 महीने से बंद था, आज स्टार्ट हुआ। शुरू कब से है? शुरू तो ये 2015 से, 2015 से चल रहा है। हालांकि
थाना के कोतवाली के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने पूछा अवनीश कुमार त्रिपाठी से कि काम कब से चल रहा है। उसका ये कह रहा था कि 6 महीने से काम बंद है, काम नहीं चल रहा है, लेकिन आज जब काम को लगाया तो ये शव पड़ा पाया। सवाल ये उठता है कि काम नहीं चल रहा था तो चौकीदार कहाँ था, और रात का चौकीदार के बारे में जब पूछा गया तो अवनीश कुमार त्रिपाठी का कहना ये था वो छुट्टी गया था। तो आखिरकार यहाँ रहता कौन था और क्या कुछ हुआ, विस्तार से देखिए। उस वाले कमरे में ग्लव्स रखे हैं। आ जा भाई, असली तो ये खराब आ रहा है, लोहा पकाते रहेगा लकड़ी का भरोसा। और कोतवाली के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने अपनी निगरानी में शव को निकाला, लेकिन जब शव को निकाला तो शव का जमा तलाशी में कुछ भी नहीं निकला, यहां तक कि कागज भी नहीं निकला। और इस हिसाब से संदिग्ध अवस्था में शव मिला, लेकिन शव को जब निकाला गया और जब देखा गया तो ठेकेदार ने कहा ये मेरा कोई भी कर्मचारी नहीं है। यहाँ को करो नीचे को, नीचे को, इसके पाइप के नीचे को, इधर लो, तुम इधर आओ, एक आदमी निकल के देख कर आओ, एक आदमी हो रहा हो भाई, आओ एक आदमी इधर निकल। और इस तरह पुलिस ने जब शव को निकाला और शव को निकालने के बाद में जो पास में लोग खड़े थे उनसे पूछा कि आखिर पहचानिए, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, तो सबने पहचानने से इनकार कर दिया। और आप भी देखिए, शायद आपके जिले का, आपके मोहल्ले का कहीं कभी यह व्यक्ति हो, लेकिन पुलिस ने इसी बीच जमा तलाशी ली तो उसकी जमा तलाशी में कुछ भी नहीं निकला, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं निकला। क्यों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के पास कोई तो चीज होगी, कागज तो होगा, लेकिन इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं निकला, चश्मा निकला वो भी दूर। लेकिन इस हिसाब से आपको बता दें, संदिग्ध अवस्था में मौत, आखिर कैसे मौत हुई, एक पहेली बना हुआ है। लेकिन कोतवाली के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने गहनता से जांच करी और उम्मीद ये है कि जांच की सुई भी आसपास घूम रही है, बहुत जल्द खुलासा भी होगा। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि पहचाना जाए कि ये व्यक्ति है कहाँ का, अभी यही नहीं पता चल पाया कि व्यक्ति कहाँ का है। क्यों, क्योंकि जो निर्माणाधीन जो अस्पताल 100 बेड का बन रहा है, बाकी जो सुपरवाइजर है, जो ठेकेदार है, उनका ये कहना है मेरा कोई आदमी नहीं है। मेडिकल कॉलेज वालों का भी कहना है कि मेरा कोई भी आदमी नहीं है। आखिर है कहाँ का आदमी, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कहाँ का है, उसके बाद में सारे सवालों की गुत्थी अपने आप सुलझेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, जो सुपरवाइजर है अवनीश कुमार त्रिपाठी, उससे जब हमने पूछा तो उसने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनिए। जी ये बताइए, सुबह जब आप आए तो आपने क्या देखा? सुबह हमने सर कुछ नहीं देखा, लेबर के लिए पानी चलाने के लिए जब गए तो लेबर वालों ने कहा कि साहब देखिए इसमें क्या पड़ा हुआ, तो हमने कहा भीग है। उसके बाद में जब उन लोगों ने फिर कहा नहीं सर देखिए, तो उसमें लाश दिखाई पड़ी। नहीं, रात में लेबर भी दिखी कई बार। नहीं, लेबर जब काम चलता है तब लेबर रुकती है रात में। इसको पहचानते हैं जिसका शव है? ना, मैं किसी को नहीं पहचानता। आप यहाँ किस समय तक रहते हैं? यहाँ 8 बजे से सुबह, 8 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर रहता हूँ, 5 बजे बाद अपने कमरे में। ये गार्ड तो नहीं सर? अरे जल्दी करिए। हाँ फिर ये तो ये बताइए, आप यहाँ कितने समय से हैं? हम 1.5 साल से हैं। 1.5 साल से? आपको क्या लगता है? हमें सर पता नहीं, हम क्या बता दें, हमें कुछ मालूम नहीं लगता। लाइट जलती है यहाँ? हाँ, रात भर लाइट जलती है। सुबह काम लगा? सुबह आज काम लगा था 6 महीने के बाद। फिर कल इस साइड में देखा था कभी? नहीं देखा था। अस्पताल में हूँ, सबसे पीछे था बिल्डिंग में। अच्छा, सुबह जब काम लगा फिर किसने देखा? लेबर वालों ने। और इसी बीच कोतवाली के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने आसपास के लोगों से पूछा कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं, कहीं देखा है? यहाँ कौन रहता है? अरे लड़के इधर आओ। कुल मिला के पुलिस जांच में जुटी और पुलिस की शक की सुई भी आसपास घूम रही है, बहुत जल्द हो सकता है इस केस का खुलावा। लेकिन उससे पहले पहचाना जाना अति आवश्यक है कि व्यक्ति है कहां का रहने वाला है और क्यों यहां आया था। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर,
Please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.